हाय दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी F62 के बारे में जो कि फिलहाल में इंडिया में लॉन्च हुआ है। इसका कीमत शुरू होता है 24,000 से, जिसमें आपको 6GB रैम और 128GB स्टोरेज मिलता है। ये स्मार्टफोन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत लोगों को ऐसा लगता रहता है कि 24,000 में ये स्मार्टफोन अच्छा है या इससे अच्छा स्मार्टफोन मिलता होगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात तो कि बिल्कुल आप ये स्मार्टफोन को ले सकते हैं। इसमें आपको जितना फीचर मिलता है 24,000 में बिल्कुल सही दिया गया है। जैसे कि आपको डिस्प्ले में कोई कमी नहीं मिलता है, वहाँ आपको सुपर एमोलेड और ऐसे भी सैमसंग का जो डिस्प्ले होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, तो डिस्प्ले में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको कलर जो होंगे काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिलेंगे डिस्प्ले में, क्योंकि यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है और ना ही आपको बैटरी में कमी देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको बहुत बड़ी बैटरी दी गई है, 24,000 के अंदर आपको कोई भी स्मार्टफोन में अभी तक आपको 7,000 mAh की बैटरी नहीं मिलता है। अगर आप खोज के देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। और इसके साथ आपको फास्ट चार्जर भी मिल जाता है, जो कि सही है। 24,000 के अंदर तो फास्ट चार्जर होना ही चाहिए स्मार्टफोन के अंदर, तो यहाँ पर आपको बैटरी और चार्जर दोनों ही अच्छा मिल जाता है। इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और दोस्तों 24,000 के अंदर जो प्रोसेसर लगाया गया है, इस्तेमाल किया गया है इसमें, वो भी काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। इसमें भी आप कोई भी हैवी गेम खेल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। काफ़ी सैमसंग का ये पहला स्मार्टफोन है जो कि सबसे अच्छा प्रोसेसर के साथ है, आता है इस कीमत पर। और कैमरा भी अच्छा मिल जाता है इस स्मार्टफोन में। पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें आपको 64 MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है और आगे की तरफ आपको 32 MP का सेल्फी देखने के लिए मिलता है। और दोस्तों और एक बात कि अगर आप पीछे देखेंगे तो क्वाड कैमरा में आपको 2-2 MP का सेंसर जो है सभी स्मार्टफोन में आपको देखने के लिए मिलेगा 24,000 में, लेकिन सैमसंग ने यहाँ पर आपको 5 MP का सेंसर दिया है, जो कि आपका कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। तो दोस्तों इसका कैमरा भी काफी अच्छा मिल जाता है। तो अब आप 24,000 में क्या खोजते हैं? सुपर एमोलेड डिस्प्ले, बहुत बड़ी 6,000 mAh की बैटरी, 25W का फास्ट चार्जर और एक अच्छा सा प्रोसेसर जिसमें आप बहुत ही अच्छे गेम खेल सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप हाई सेटिंग पर भी खेल सकते हैं ये स्मार्टफोन के अंदर। और कैमरा भी अच्छा मिल जाता है, जिससे आप अच्छा फोटो और वीडियो आराम से निकाल सकते हैं। इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, साइड माउंट और फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, 24,000 में आप बिल्कुल ये स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।